हम सवा सौ करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के न्यू इंडिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक पहला मुकाम हमारे सामने है 2022। मैं चुनाव के हिसाब किताब से चलने वाला इंसान नहीं हूं, आप पहले से मैं कहता हूं, मेरे दिमाग में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, 125 करोड़ देशवासी। दो हजार बाईस भारत की आजादी के 75 साल होंगे। 75 साल में जो भी यात्रा चली है, जिस रूप में चली है, जिसको भी सोवा करने का मौका मिला, हर किसी ने अपने अपने तरीके से की है और हम इस बात को कभी नकारते भी नहीं है। जिस सरकार को अवसर मिला उसने काम किया है, जिस प्रधानमंत्री को अवसर मिला उसने काम किया, जिस मुख्यमंत्री को अवसर मिला उन्होंने काम किया, हर एक के काम को हम स्वीकार करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन 2022 भारत की आजादी के 75 साल, हमारे पास 5 साल का वक्त है। अगर 125 करोड़ देशवासी 5 साल अपने व्यक्तिगत जीवन में एक संकल्प हर वर्ष, संगठन के जीवन में हर वर्ष एक नया संकल्प, जिस इकाई में काम करते हैं उस इकाई में एक नया संकल्प, 2022 तक उसको पूरा करके रहेंगे, अगर देश में ये मूड बन जाए तो ये देश पीछे नहीं रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। न्यू इंडिया 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया, अभूतपूर्व रूप से जागरूक महिला समूहों का सपनों का न्यू इंडिया, ऐसा न्यू इंडिया जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। देश का गरीब भी आप कुछ दे दो, आप मुझे अच्छे लगोगे, इस मानसिकता को छोड़ चुका है। गरीब कहता है मैं अपने बलबूते पर आगे जाना चाहता हूं, आप मेरे लिए अवसर उपलब्ध करा दीजिए, मेहनत मैं करूंगा। ये न्यू इंडिया की नींव है। गरीब गरीब में सामर्थ्य मैं देख पाता हूं, मैं देश के गरीबों की शक्ति को पहचान पाता हूं और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में जितना ज्यादा गरीबों को अवसर मिलेगा उतना ज्यादा देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। गरीब अगर शिक्षित होगा तो समाज को ज्यादा परिणाम देगा, गरीब को अगर कार्य का अवसर मिला तो देश के लिए ज्यादा करके दिखाएगा। और इस देश की एक सबसे बड़ी ताकत वो हमारे देश का गरीब है। कभी कभी आज मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा बोझ झेलना पड़ता है, कर भी मध्यम वर्ग को ज्यादा देना पड़ता है,
नियमों का पालन भी मध्यम वर्ग को ज्यादा करना पड़ता है, समाज की सब मर्यादाओं का पालन भी मध्यम वर्ग को करना पड़ता है, सारे आर्थिक बोझ भी क्वांटम के रूप से देखें तो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग का व्यक्ति वहन करता है, उस पर यह बोझ कम होना चाहिए। मध्यम वर्ग पर जो ये मध्यम वर्ग पर जो बोझ रहता है और उसके कारण उसके पास क्षमता भी है तेज गति से जाने के लिए, उसको किसी की मदद जरूरत नहीं है, सिर्फ वो इतना ही चाहता है कि रुकावटें दूर हो, वो दौड़ करके कुछ करने के लिए क्षमता रखता है। एक बार देश के गरीब के अंदर खुद का बोझ उठाने की ताकत आ जाएगी, इस देश के मध्यम वर्ग का बोझ पूरी तरह हट जाएगा। अर्थशास्त्र के इस रूप को मैं न्यू इंडिया में अनुभव कर रहा हूं, और एक बार देश के गरीब की ताकत, देश के मध्यम वर्ग के सपने, इनको अगर मिला लें तो इस देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। कि लोकतंत्र में सरकार बनती है बहुमत से, लेकिन चलती है सर्वमत से। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है। सरकार को कोई भेदभाव करने का हक नहीं है, और न ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी हक को स्वीकार करती है। और इसलिए वोट दिया न दिया वो चुनाव नतीजों तक ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है तो सब पे सब उत्तर प्रदेश की वो सरकार है, वो सरकार सब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। मणिपुर की सरकार है, गोवा की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, सरकार सबकी होती है, सबके लिए होती है, और सबको साथ लेकर के चलने के लिए होती है। इस पवित्र विचार को लेकर के ही हम काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे, और हम जितने नए अवसर मिलेंगे हर नए अवसर में न्यू इंडिया बनाने के लिए, नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए, न्यू हिंदुस्तान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं, विजय पेड़ भी हमें सिखाता है, पौधे भी हमें सिखाते हैं। कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है। प्रकृति हमें प्रेरणा देती है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है, अधिक नम्र बनने का जिम्मा बनता है। सत्ता ये पद की शोभा का हिस्सा नहीं होती है, सत्ता सेवा करने का एक अवसर होती है,
इस बात को लेकर हमें चलना है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ता गया है, विजय यात्रा लगातार आगे चल रही है। हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पहले से अच्छा करके दिखाया है और इसलिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी और उनके साथ संगठन का कार्य संभालने वाली केंद्रीय टीम, राज्यों की टीम, लक्षावधि कार्यकर्ता इस विजय यात्रा के यशभागी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अमित भाई ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सदस्यता के अभियान के द्वारा पूरे विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दिया। चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से समाज के हर तबके में, भारत के हर भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना, ये भी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी सेवा है। और हम सबने भी गर्व के साथ दुनिया में जहां जाए वहां, दुनिया में जिसे भी मिलने का मौका मिले उन्हें सीना तान के कहना चाहिए कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। जिस प्रकार से हमारे देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, उत्साह उमंग के साथ लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने में राजनीतिक दलों के सिवाय भी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, मैं इसे लोकतंत्र की दृष्टि से एक शुभ संकेत मानता हूं। और जब कभी कभार विजय होने के अनेक कारण होते हैं, लेकिन अकल्पनीय भारी मतदान के बाद अकल्पनीय भारी विजय होता है, वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है।